अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेट स्टूडेंट 3, कैसे आप? खैरियत से हैं? ओके बेटे, सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है नंबर्स का। लास्ट लेक्चर में मैंने नंबर्स को कंप्लीट कर दिया था और आज हम लोग नंबर्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है उस पर आ गए। सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एडिशन की बात करेंगे और एडिशन में भी रीग्रुपिंग के साथ उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद होएगा कि जब हम नंबर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें भी एडिशन जो है उसको आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ लेके चल रहा था, ताकि आप जब इस चैप्टर में आए तो आप आसानी से उन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। एनी हो, मैं स्टेप्स समझाता जाता हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। सबसे पहले पेज नंबर 27, कैन यू प्लीज जूम इट, ये हम करने लगे हैं। इसमें वन बाय वन हम सारे स्टेप्स जो यहाँ पर मेंशन है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इनको देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को एक ही दफ़ा करके भी देखेंगे कि उन पर क्या फ़र्क पड़ता है। सो लेट्स मूव ऑन। स्टेप वाइज हमें क्वेश्चन में कहता है फाइंड द सम ऑफ 1234 and second amount is 2215। ओके, ये पता होना चाहिए हमें बेटे कि ये जो हमने डिजिट्स लिखे हैं इनको हम क्या बोलते हैं। सबसे एंड पर हम वंस को लिख रहे होते हैं, फिर उससे आगे हम टेंस को लिख रहे होते हैं, उससे आगे हम हंड्रेड्स को लिख रहे होते हैं और उससे आगे हम थाउजेंड्स को लिख रहे होते हैं। सो किस तरह से हम स्टेप वाइज चीज़ को सीखते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ जी स्टेप 1 का। स्टेप 1 में सबसे पहले आपका जो राइट हैंड है दिस वन, इस साइड से आप कैलकुलेशन सीखते हो। ओके, सबसे पहले क्या है, 5 + 4। 5 आप फिंगर्स पे ले लें या आप लाइंस जिस तरह से आपको आपकी टीचर ने सिखाया है, मैं 4 की लाइंस लगाने लगा हूँ, 1, 2, 3 and 4। 5 ऑलरेडी मेरे पास है और उसके बाद अगले नंबर्स को काउंट करें, 6, 7, 8 and 9। सो 5 + 4 आंसर इज 9। हम जब स्टेप वाइज कर रहे हैं तो ये पहला स्टेप था मेरा। अब मैं स्टेप 2 में जाता हूँ। स्टेप 2 में मैं अगर उसी तरह से दोबारा अमाउंट को लिख लूँ, ताकि आपको बुक के साथ चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि बुक पे सारा बार बार लिखा हुआ। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया था, 5 + 4 = 9। जो स्टेप 2 है उसमें सेकंड अमाउंट जो आ रही है हमारे पास, हम उसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ व्हाट, 3 + 1 = 4। आप कैसे करेंगे, 3 और उसके बाद 1, 2, 3 and 4। आप इसको बेशक इस तरह से लाइंस लगा के चेक कर लें, आंसर हमारा आएगा 4। फिर उसके बाद स्टेप 3 पे आ जाएं आप, वो क्या होगा जी, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 5, ये आंसर निकल आया, ये निकल आया। स्टेप 3 में आपने इन नंबर्स को लेना है, 2 + 2, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4। फिर उसके बाद स्टेप 4 में आ जाएंगे आप, ये मैं आज सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट कैलकुलेशंस किया करूँगा, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 1, 5। सो वी हैव लर्न्ड 9, 4, 4। अब लास्ट कैलकुलेशन हमारी ये रह गई है लेफ्ट साइड पर पहले नंबर्स, तो 2 + 1 = 3।
सो सम ऑफ दीज टू इज 3449. जब हम ये सीख जाते हैं तो हम डायरेक्ट कैलकुलेशंस की तरफ आ जाते हैं. जैसे मैं अगर डायरेक्टली कैलकुलेट करता तो क्या होता, 2215, 5 + 4 = 9, वी हैव काउंटेड इट. 3 + 1 = 4, 2 + 2 = 4, 2 + 1 = 3. Look at this, 3449. यानी डायरेक्टली भी हम उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते होते हैं और साथ ही साथ जो स्टेप्स सीख रहे हैं हम इनकी मदद से भी 1, 2, 3, 4 में कन्वर्ट करके स्टेप्स को हम आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं. ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपका प्रैक्टिस जोन आ जाता है जिसमें हमारे पास 4 क्वेश्चंस गिवन है. ये काइंडली आप चेक कर लें, ये वाले 4 क्वेश्चंस जो हैं हम इनकी प्रैक्टिस करने लगे हैं. अब आप इनको कैसे सीखेंगे, मैं 1 by 1 क्वेश्चंस पहले लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे. क्वेश्चन नंबर 1 और उसके मेरे पास पार्ट्स हैं 4, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी. पार्ट ए में क्वेश्चन है 254 + 304. 304 जो टेंथ प्लेस है उसमें 0 है इसलिए उसको नहीं बोला. ऊपर टेंथ प्लेस में 5 था ना, तो 254 बोला. लेकिन यहाँ पे क्या है, वो प्लेस आपकी खाली है जिसकी वजह से हम उसको बीच में नहीं बोल रहे. क्वेश्चन बी है आपका 3404 और उसका पार्ट बी है दूसरी अमाउंट है 4211. तो इनको भी सम करना सीखेंगे हम. पार्ट सी है 6327 + 2470. मैं रिपीट भी करूँगा, बेफिक्र हो जाएं आप लोग, आराम से सीखें इनको. फिर पार्ट डी है हमारे पास 5400, ये मीन्स 5400 + 1035. इन चारों क्वेश्चंस को हम आज सीखेंगे प्रैक्टिस जोन में कि किस तरह से ऐड किया जाता. नो, लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे हमने स्टेप वाइज चीज़ों को सीखा है. अगर आपको इनिशियली इकट्ठा करना ना आता हो तो बेशक आप इन क्वेश्चंस को भी स्टेप वाइज ही करें, बट इट्स क्वाइट सिंपल. लुक एट दिस, 4 + 4 का तो मुझे पता है, उसके बाद अगले 4 की मैं लाइंस लगा लेता हूँ. ये 4 लाइंस लगा ली मैंने, 4, उसके बाद क्या आएगा, 5, उसके बाद 6, 7 and 8. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8. क्लियर? ओके, उसके बाद है 5 + 0. ये बेटे हमेशा याद रखना है कि कोई भी नंबर हो जब उसमें हम 0 का इजाफा करना चाहें तो नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा. जैसे 9 + 0 आंसर विल रिमेन 9, 8 + 0 सेम 8, 6 + 0 6. तो इसी तरह से 5 + 0 आंसर विल बी 5. नेक्स्ट 3 + 2 या 2 + 3, मैं क्या करूँगा, 2 मुझे पता है, ओके फाइन, मैं 3 लाइंस लगा लेता हूँ. उसके बाद ये 3 था, जो 2 के बाद काउंट करना शुरू करें, इट्स 3, इट्स 4, इट्स 5. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 558. दैट्स गुड, प्रैक्टिस करें. मामा बाबा को कहना है कि क्वेश्चन मुझे 2-3 और बना दें जिनमें 3 वर्ड्स आ रहे हों, 3 उसके हिस्से हों, 3 नंबर्स हों, ताकि आप आसानी से कर सकते हो. अब थोड़ा सा मुश्किल, 4 नंबर्स के साथ, लेकिन आपके मेथोडोलॉजी में काम करने में कोई चेंज नहीं है. उसी तरह से राइट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन को. 4 + 1, 1 ऐड करना हो
तो अगला नंबर लिख दिया जाता है। जैसे 6 में अगला नंबर 7 होगा, 8 में अगला नंबर 9 होगा। इस तरह से 4+1 इज इक्वल टू 5, 0+1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 में 0 ऐड होने से नंबर पर कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए बेटे, इट्स 4+2। आप बेशक यहाँ पर दो लाइंस लगा लें, काउंट करें, 4 ऑलरेडी आपको पता है, उसके बाद क्या आएगा, 5 एंड 6। तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे। और लास्टली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर्स 3+4 है, 3 हम याद रखेंगे और 4 हम लाइंस लगा लेंगे। 3 के बाद काउंट करें, इट्स 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। और जब इसको आप प्रोनाउंस करेंगे तो आप कैसे करेंगे, 7615, 7615। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सी पार्ट। सी पार्ट है जी 6327, और उसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग 2470। हाउ, आप अपनी राइट साइड पर आ जाएं, राइट साइड से आप उसको काउंट करना शुरू करें, 7+0। क्या बताया बेटे कि 0 की वजह से आपके नंबर पर कोई चेंज नहीं आता। सो 7+0 आंसर विल बी 7। अब थोड़ा मुश्किल होने लगा, क्या करना है, नेक्स्ट फिगर है 2+7। मैं 7 लाइंस लगा लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 में 7 ऐड करना है, सो 2 विल बी प्रोनाउंस्ड फर्स्ट एंड देन मूव ऑन विद काउंटिंग, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स 9। देन 3+4, 3 आपने जेन में रखना है, देन राइट डाउन द 4 लाइंस एंड काउंट इट, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे हम 7 मेंशन कर देंगे। फिर लास्टली 6+2 है, 6 आप लोग अपने जेन में रखें और 2 उसके बाद, 7 एंड 8। तो आपका आंसर क्या होगा, 8797, 8797। शाबाश, प्रैक्टिस इट विद डी पार्ट नाउ। 0+5, किसी में भी 0 ऐड हो तो नंबर पर कोई चेंज नहीं आता। 0+3, आंसर 3 ही रहेगा। 0 ऊपर लिखें या नीचे लिखें, जब ऐड करते हैं उसमें तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 4+0, अगेन कोई आंसर में चेंज नहीं आ रहा, 4 एज इट इज़ नीचे आ गया। देन 5+1, 5 के बाद क्या आता है, नंबर्स काउंट करके आप देखें, दैट इज 6। तो इतना सा काम आज, और घर पे बैठ के ये 4 क्वेश्चंस स्टेप वाइज भी आप सीख सकते हैं, और अगर आपको इकट्ठा लिख के ऐड करना आ जाए तो दैट्स योर टास्क ऑफ टुडे। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग योर लेक्चर्स। घर पे बैठ के अच्छे से काम करना है, और बेटे नमाज पढ़नी शुरू करनी है। आप सब की उम्रें 7 साल से ज़्यादा हो चुकी है ना, तो नमाज को शुरू करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, इससे आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।